हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मोनोटोन सबसिक्वेंस थ्योरम। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम एक्चुअली, क्योंकि इसके आगे वाला जो थ्योरम है बोल्जानो विस्ट्रास थ्योरम, ठीक है, सो उसके लिए हमें ये वाला थ्योरम लगेगा। ओके, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक ना निराली पब्लिकेशन है ना निराली का गोल्डन सीरीज है या वॉट एवर, आप जो कुछ भी यूज़ करते हैं, हाँ, उसका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपको ये वाला थ्योरम से आगे वाला थ्योरम को प्रूव करने को कहा। ठीक है, देयरफॉर आज हम देखेंगे मोनोटोन सबसिक्वेंस थ्योरम। इसके अंदर ये जो सिक्वेंस है दिया क्या है कि इफ एक्स इज अ सबसिक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, मतलब आप कोई भी एक सबसिक्वेंस ले लो रियल नंबर की। अब रियल नंबर के अंदर बहुत सारे सेट्स आते हैं। पहला है मतलब नेचुरल नंबर का सेट ले लो, होल नंबर का सेट ले लो, या वॉट एवर, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरैशनल्स। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर एक्स एन इज अ सबसिक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, देन देयर इज अ सबसिक्वेंस ऑफ एक्स दैट इज मोनोटोन। अब देखो कोई सेंस है क्या इस बात का, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इसका। देन देयर इज अ सबसिक्वेंस ऑफ एक्स दैट इज मोनोटोन, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा मीनिंग छुपा है। मतलब क्या कहा है उन्होंने कि सपोज करो रियल नंबर की कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, सब सीक्वेंस। यहाँ पे रियल नंबर की नहीं लेनी है, मतलब आप लोग 1 2 3 4, हाँ ऐसा नहीं लेना है। मतलब क्या है, एक सीक्वेंस ले लो लाइक दिस, ओके, दिस इज अ सीक्वेंस। ओके, तो देखो ये सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक, मैंने पहले ही कहा है मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है, वो एक तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ठीक है, और सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि उसी सीक्वेंस का थोड़ा बहुत पार्ट, उसी सीक्वेंस का थोड़ा बहुत पार्ट, घर से कुछ नहीं डालना है, जो दिया है उसी से थोड़ा बहुत लेना है, तो उसे कहते हैं सब सीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस। ओके, ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, यहां से यहां तक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब एक बात, ये जो सबसिक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, देखो ठीक से समझ लो क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है, मैं इसे जरा रफ कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको एक ग्राफिकली समझाना है, ये थ्योरम दिखता है उतना उल्लू नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट, तो ये बाउंडेड है ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, एवरी सबसिक्वेंस इज अ बाउंडेड। पहली बात, अगर हम उसका सबसेट ले रहे हैं, प्रॉपर सबसेट ले रहे हैं, तो बाउंडेड है ये, क्योंकि ये आगे वाले जाके ऐसे होने वाले, यहां से यहां तक तो बाउंडेड है ना, तो इसका लिमिट क्या आएगा, ये लास्ट वाला नंबर, मतलब ये पूरे नंबर कहाँ पे ग्रो मतलब रीच कर रहे हैं, यहां तक, तो ये कॉन्वर्जेंट हो गई, ये क्या हो गई, कॉन्वर्जेंट। अब ये यहां से यहां तक डिक्रीज हो रही है, मतलब ये यहाँ पे ये भी कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, कॉन्वर्जेंट का मीनिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से नहीं होता, कॉन्वर्जेंट का मीनिंग इससे होता है कि लिमिट कैसा है, अगर लिमिट यूनिक है, फाइनाइट है, रियल है, तो भाई साहब वो कॉन्वर्जेंट है, अदरवाइज ऑसिलेटिंग है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब ये सिक्वेंस ऑसिलेटिंग है, ठीक है, डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो अगर सिक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रही है तो वो कॉन्वर्जेंट होती है, बशर्ते कि वो बाउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, सो ये था इस स्टेटमेंट का मीनिंग कि सबसिक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, देन देयर इज अ सबसिक्वेंस ऑफ एक्स दैट इज मोनोटोन। मतलब कोई भी एक रियल नंबर की सिक्वेंस ले लो तो वहां पे कोई भी एक सबसिक्वेंस होगी जो मोनोटोन होगी, मोनोटोन मतलब वॉट, इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो वो मतलब यहाँ पे एक छुपा हुआ मीनिंग ये है कि वो कॉन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आगे वाला थ्योरम देखो, बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी मतलब बहुत कंजस्टेड है, आप क्या करो इसको लर्न कर लो। ठीक है, इसका स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम, अदरवाइज स्टेट बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम फॉर 1 मार्क, इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ अच्छा खासा करना है तो दो ही चीजें हैं, पहले ही है एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड,
और दूसरी है ये वाला बोलजानो थ्योरम। ओके, थ्योरम क्या कहता है? अ बाउंडेड सबसिक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, अ बाउंडेड सिक्वेंस, ओ आई एम सॉरी, अ बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर हैज अ कॉन्वर्जेंट सबसिक्वेंस। ठीक है, देखो कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। पहली बात, अ बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। अब देखो एक बाउंडेड सिक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। ले लो -1 1, -1 1, -1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बाउंडेड है। बाउंडेड किसके बीच में है? -1 और 1 के बीच में बाउंडेड है। तो उन्होंने कहा हैज कॉन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, हैज कॉन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, मतलब इसकी अगर एक सबसिक्वेंस ले लूं 1 1 1 1 1, ये कॉन्वर्जेंट है 1 को, अदरवाइज दूसरी क्या बनेगी? -1 -1 -1, ये कॉन्वर्जेंट हो जाएगी -1 को। तो आप बोलोगे नहीं, ये कहीं तो देखा है हमने। हाँ, हमने ये कहाँ पे देखी है? एवरी कॉन्वर्जेंट सिक्वेंस इज अ बाउंडेड, ये ट्रू है, लेकिन एवरी बाउंडेड सिक्वेंस इज नॉट कॉन्वर्जेंट। इसके काउंटर एग्जाम्पल में ये दिया था मैंने, ठीक है, ये देखा है आपने, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि देखा है, अगर लेक्चर आप रेगुलरली देखते हो तो। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, ये बाउंडेड सिक्वेंस है तो उसको एक कॉन्वर्जेंट सबसिक्वेंस है, यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मोनोटोन सबसिक्वेंस थ्योरम। ठीक है, चलो इसे प्रूव करते हैं। मैं ये रफ कर लेता, थ्योरम बहुत छोटा है, ठीक है, हार्डली 2 या 3 मार्क को आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स तो बहुत ज्यादा हो गए उसके हिसाब से। ठीक है, अब ये जो मोनोटोन सबसिक्वेंस थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है? इफ सिक्वेंस एक्स एन इज अ बाउंडेड सिक्वेंस, ठीक है, सपोज करो एक्स एन इज अ बाउंडेड सिक्वेंस, देन इट हैज, देन इट हैज मोनोटोन सबसिक्वेंस, मोनोटोन सबसिक्वेंस एक्स डैश। ठीक है, मैंने उसे क्या कह दिया? एक्स डैश। दूसरी सिक्वेंस हो तो एक्स डबल डैश, तीसरी सबसिक्वेंस हो तो एक्स ट्रिपल डैश। ठीक है, एक एक्स एन नाम की बाउंडेड सिक्वेंस है। बाउंडेड मतलब मैंने ये कहा था ना मोनोटोनिकली, ये यहां से लेकर यहां तक देखो इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, देयरफॉर इट इज अ कॉन्वर्जेंट। ओके, ठीक है, सो यही बात यहां पे प्रूव कर रहे हैं हम। सिक्वेंस एक्स एन इज अ बाउंडेड सिक्वेंस, देन इट हैज मोनोटोन सबसिक्वेंस। मोनोटोन सबसिक्वेंस इन व्हाट? एक तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, अब देखो जो गिवन जो गिवन सीक्वेंस है वो खुद बाउंडेड है, तो उसकी सबसिक्वेंस भी क्या होगी? बाउंडेड ही होगी, देयरफॉर एक्स डैश इज बाउंडेड। गिवन सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी सबसिक्वेंस भी क्या होगी? बाउंडेड। गरीब का बच्चा गरीब ही होता है ना, जन्म लेता है, ठीक है, वो अचानक से अमीर बनता है क्या? नहीं, सम एक्सेप्शनल केस आर देयर, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो मोनोटोन कॉन्वर्जेंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर वहां पे बाउंडेड है तो कॉन्वर्जेंट भी है। देखो यहाँ पे मतलब ये बाउंडेड है तो कॉन्वर्जेंट भी है, उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। देखो क्या दिया है, सबसिक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, देन देयर इज अ सबसिक्वेंस दैट इज अ मोनोटोन। ठीक है, मोनोटोन मीन्स व्हाट? एक तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है तो वो बाउंडेड है, इन ओ आई एम सॉरी बाउंडेड नहीं होगी, वो कॉन्वर्जेंट है। देखो ना, इंक्रीजिंग यहां से यहां तक है, ये मैंने पूरा जो मार्क कर दिया है यहां से यहां तक है, इसका फाइनल लिमिट क्या आएगा? ये वाला, इसका अपर बाउंड, देयरफॉर ये अपर बाउंड को कॉन्वर्जेंट है ना। ठीक है, देयरफॉर यहां पे देखो ये क्या हो जाएगी, मतलब ग्राफिकली देखे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, थोड़ा फिर से एक बार समझ लो। एक मैंने बाउंडेड सिक्वेंस ले ली, नहीं, ये गलत है, एक मैंने बाउंडेड सीक्वेंस ले ली, ठीक है, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, ये वाले और ये वाले पॉइंट के अंदर वो बाउंडेड है। अब क्या होगा अगर मैंने यहां से तो यहां से यहां तक, ठीक है,
एक मैंने मोनोटोन सब सिक्वेंस ले ली। मोनोटोन मीन्स वॉट? इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग लेना है, वहां पे मीनिंग ये इंक्रीजिंग सब सिक्वेंस ले ली, ठीक है ओके। अब दूसरी बात, ये पूरी सिक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी सब सिक्वेंस भी क्या होगी? बाउंडेड, ओके। अब दूसरी बात, ये कॉन्वर्जेंट किसको है? कॉन्वर्जेंट है ना ये, कहाँ पे? ये वाले पॉइंट पे, ये क्या है? कॉन्वर्जेंट, ठीक है। देयरफॉर देखो यहाँ पे तो प्रूव हो गया ना थ्योरम। अब बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, देखो ये वाली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर हैज कॉन्वर्जेंट सब सिक्वेंस, मतलब क्या? फिर से एक बार ग्राफ से देखो। ये हो गई अपनी एक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, यहां से यहां तक। इसकी कोई भी एक सब सिक्वेंस ले लो, दिस इज अ कॉन्वर्जेंट। ये तो कॉन्वर्जेंट है ना, देखो ना ये वाले पॉइंट को कॉन्वर्जेंट है। कॉन्वर्जेंट मीन्स वॉट? लिमिट पॉइंट, उसका लिमिट, फाइनल लिमिट क्या आएगा? ये वाला, ठीक है। मतलब ये सारे मिलके यहाँ पे जा रहे, तो ये क्या हो गई? कॉन्वर्जेंट। और ये सबसिक्वेंस है, देयरफॉर सबसिक्वेंस इज अ कॉन्वर्जेंट, ओके लाइक दिस। तो ये था इसका प्रूफ, उसको मैंने आगे जरा सजा धजा के लिखा है। ओके सो गाइज, यहाँ पे अपना ये थियोरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो, जो कुछ भी एग्जाम्पल्स होंगे वो आपके प्रॉपर टेक्स्ट बुक में से होंगे, ठीक है। प्रॉपर टेक्स्ट बुक क्या है? ना निराली है ना गोल्डन सीरीज है। प्रॉपर टेक्स्ट बुक वो है आपका जो आपको यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है, बाटले का। आप गूगल पे जाके सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस के अंदर आपका टेक्स्ट बुक आएगा, उसको कॉपी करो, गूगल पे से पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो पेपर सेटर होते हैं उनको ये वाली बात नहीं पता होती है कि निराली है गोल्डन सीरीज है, डजंट नो, ठीक है, डोंट नो उनको। तो उनको एक ही बात पता है, हमने टेक्स्ट बुक दिया है, टेक्स्ट बुक में से सवाल उठाएंगे, ठीक है। सो वहाँ से क्वेश्चन को पिक करेंगे। सो आपको अभी से आदत होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपके दोनों टेक्स्ट बुक देखे, मतलब अननेसेसरी डेटा खोप है उसके अंदर, बहुत है। मतलब 50% तो वेस्टेज है। जो निराली का टेक्स्ट बुक है ना अपना छोटा सा, 50% वेस्टेज है, कुछ भी डाल के रखा है। हाँ, गोल्डन सीरीज के अंदर आपको कॉन्वर्जेंट की ये दिया है, क्या बोलते हैं, टेस्ट दी है, टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस, वो भी आपको नहीं है। जरा आप सिलेबस देखो, ठीक है, जो आपको टेक्स्ट बुक दिए वो उनको सच मत मानो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करो, आपका 50% टाइम बचेगा, इन गधों के पीछे मत भागो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। हाँ, बाकी आगे मर्जी, आप जो करना चाहे वो कर सकते हो, ओके। सो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे। अगले लेक्चर से एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।